हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो डॉल्फिन कंपनी की तरफ से बिगनर लेवल का जो कैपो आता है, तो उसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा कुरियर आ चुका है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा कैपो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंदर और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें कैपो मिलता है इसके साथ। और देख सकते हैं डॉल्फिन ब्रांडिंग है ऊपर, और ये रहा हमारा कैपो। मेटालिक बॉडी है दोस्तों ये, तो चलिए जल्दी से इसको मैं ओपन कर लेता हूं और आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो वर्किंग क्वालिटी है वो कैसी है, सारी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूं। फिलहाल के लिए जल्दी से मैं इसको ओपन करके इसको निकाल लेता हूं। तो ये रहा हमारा कैपो। दोस्तों, देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है, आपके हाथ में नहीं लगने वाली है। और यहाँ पर इसकी स्प्रिंग की बात करें, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो काफ़ी अच्छा कैपो है। यहाँ पर आप अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसकी रबर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इस साइड में भी आपको रबड़ मिल जाता है और इस साइड में भी आपको रबड़ का यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों, इसका जो ग्रिप है काफ़ी अच्छा मुझे लगता है आएगा। तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं अपने फ्रेट बोर्ड पर इसको लगा कर। तो चलिए, यहाँ पर मैं, ये रहा हमारा फ्रेट बोर्ड, और इसको हम लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कैपो है यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर फिट हो गया है। सारी स्ट्रिंग प्रॉपरली प्रेस हो रही हैं यहाँ पर वन बाय वन करके। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे बज नहीं कर रही है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो कैपो है हमारे फ्रेट बोर्ड की सारी स्ट्रिंग्स को यहाँ पर प्रेस कर रहा है। कोई भी यहाँ पर बजिंग साउंड नहीं आ रहा है, जैसा कि आप सुन सकते होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो 160 रुपीज़ का ये जो कैपो है वो मुझे मिला है फ्लिपकार्ट से, मैंने परचेज किया था। अभी जो है इसका प्राइस 189 रुपीज़ लगा हुआ है फ्लिपकार्ट पर। आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब इसका प्राइस 160 या फिर 150 के करीब आ जाए तभी आप लीजिए। दोस्तों, प्राइस के हिसाब से यहाँ पर अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ये कैपो है। आप अगर बिगिनर लेवल पे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो कंप्लीट ऊपर की जो बॉडी आपको सिल्वर कलर की नज़र आ रही है, ये है एलॉय की। और ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर का है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और बाकी अगर मैं आपको अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर रबड़ का यूज़ किया गया है जो कि हमारे फ्रेट बोर्ड को प्रेस करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो स्प्रिंग है ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये कैपो मुझे लगा है। अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, सो दैट आप इजीली क्लिक करके परचेस कर सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा कैपो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।